दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा काले चने से आपको क्या फायदा होता है। हाँ जी दोस्तों, रात के समय एक मुट्ठी काला चना अगर आप भिगो के रख देते हैं और उनको सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा। पुरुष महिला सभी के लिए ये नियम लागू होता है, सभी को खाना चाहिए काला चना और सभी लोगों के लिए बहुत विशेष फायदेमंद होगा। ध्यान रखिए हर तरीके से। वीडियो को स्टार्ट करूँ आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला सकते हैं जिससे कि ये वीडियो कई लोगों को जागरूक करे, कई लोगों तक वीडियो पहुंचे, इससे उनको भी इसके बारे में पता लगे और आप मुझे स्टार देकर मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स। देखिए ये सारे पोषक तत्व सिर्फ काले चने में मिलते हैं, आप चौंकिए मत। और जब ये आपके बॉडी में जाता है तो कितना फ़ायदा देता है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा होता है आपके खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी बहुत से लोगों में अक्सर जल्दी जल्दी देखने को मिलती है, हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी डाउन रहता है। तो अगर आप हीमोग्लोबिन की समस्या से गुजर रहे हैं, बॉडी में हीमोग्लोबिन को संतुलित रखना चाहते हैं तो काले चने रात के भिगोए हुए को सुबह ज़रूर खाइए, ध्यान रखिए। आयरन की कमी अगर आपके अंदर होती है तो बिल्कुल नहीं होगी जब इसको रेगुलर खाते रहेंगे तो, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। खून की कमी बिल्कुल नहीं होगी, ध्यान रखिए। दूसरा फायदा होगा पाचन संबंधी समस्या। देखिए डाइजेशन प्रॉब्लम जिन व्यक्तियों को होती है जो कि अधिकतर फास्ट फूड जंक फूड खाते रहते हैं और उनका पाचन बिगड़ जाता है, खट्टी डकारें, कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम उनको आए दिन झेलनी पड़ती है। तो रेगुलर आप सुबह के समय अगर काला चना भीगा हुआ काला चना खाते रहेंगे तो निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए काला चना जब भी आप सुबह वॉक पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं फ्रेश होकर, तो काला चना जो रात का आपने भिगोया रखा हुआ जो आपके पास, उसको अपने साथ ले जाइए और रास्ते में उसको खाते रहिए, चबाते रहिए और अपनी वॉक भी करते रहिए, ध्यान रखिए। इससे बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, पाचन संबंधी कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसमें फाइबर जो होता है वो क्या करता है, हानिकारक टॉक्सिक को बाहर निकाल फेंकता है। शरीर के जो टॉक्सिक होते हैं ना, जो कि आपके लिवर में जो फालतू के टॉक्सिक पाए जाते हैं, बॉडी में जो फालतू के टॉक्सिक पाए जाते हैं, उन सभी को बाहर निकाल फेंकता है, ध्यान रखिए। तो इससे आपकी पाचन शक्ति जो होती है वो तंदुरुस्त होती है। अगला फ़ायदा जो मिलेगा हृदय में मिलेगा। देखिए हृदय के लिए विशेष फायदेमंद होता है, पहले तो ये स्टेमिना। देखिए बहुत से लोगों में स्टेमिना नहीं होता है, सांसें फूलने लगती हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, छोटे मोटे काम करने में थक जाते हैं और सांसें फूलती हैं। छत पर चढ़ के आए हैं, सीढ़ी चढ़ के आए हैं और उनकी सांसें फूल गई हैं, तो निश्चित आपको सुबह के समय खाली पेट काले चने का जरूर यूज करना चाहिए, खाना चाहिए एक मुट्ठी, ठीक है। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और साथ के साथ आपके जो हृदय की रक्त वाहिकाएं होती हैं वो एकदम क्लीन रहेंगी। रक्त का थक्का जो जमता है हृदय में जमेगा, रक्त का थक्का जिससे कि हृदय में जो कि हार्ट अटैक बनता है वो कभी उसके चांस नहीं बनेंगे, और अगर वो थक्का माइंड में चला जाएगा तो ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज होता है, इसलिए उस थक्के को ये बनने नहीं देता है काला चना। तो आपकी रक्त वाहिकाओं को बिल्कुल साफ रखता है, क्लीन रखता है, तो हृदय को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको काला चना जरूर खाना चाहिए। अगला फ़ायदा होता है वजन। देखिए दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें पाए जाते हैं, फाइबर जो इसमें पाया जाता है, वो लंबे समय तक आपका पेट, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है और आप फालतू के जंक फूड या फालतू की चीज़ों को खाने से बचे रहेंगे, इसलिए काला चना आपके वजन को घटाने के लिए काम आता है। बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं ना, तो डाइटिंग करते समय ही इसका यूज करते रहिए, इसको खाते रहिए, जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका वजन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिए। तो ये शरीर में प्रोटीन की कमी होने नहीं देगा और आपके वजन को कंट्रोल करेगा। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में होता है दो तरह के होते हैं, बैड और गुड। बैड को कभी बढ़ने मत देना और गुड़ को कभी कम मत होने देना। बैड जो होता है ज़्यादातर 100 mg से ऊपर नहीं जाना चाहिए और जो गुड़ होता है वो 60 mg से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। इसलिए गुड़ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए रखने के लिए
आपको काले चने का यूज करना चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए आपको हमेशा काले चने का यूज करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल भरता रहेगा, इससे आपका हृदय घात यानी हार्ट अटैक आपको आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। इसलिए काला चना खाते रहिए रूटीन में डेली, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपका संतुलित रहेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी और हेल्दी फैट आपके शरीर में बढ़ेगा, जिससे कि आपको जीने में भी मज़ा आएगा, जीवन जीने में मज़ा आएगा और आपकी जो सांसें हैं, आपकी जो हृदय के संबंधित जो बीमारियां हैं, आपका स्टेमिना जो है, तो इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला। तो क्यों नहीं खाते हो काला चना, खाइए ज़रूर। देखिए घोड़े को क्या खिलाते हैं, उसका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, उसमें फुर्ती लाने के लिए काला चना। ज़्यादातर जो घोड़े होते हैं वो चने खाते हैं, इसलिए खाते हैं। कहीं भी सर्च कर लेना, इस चीज़ पर आपको यही देखने को मिलेगा। तो देखिए अगला फ़ायदा जो मिलेगा बालों के लिए, इसमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन पाया जाता है जो बालों के फॉलिकल्स को बढ़ाता है। इसीलिए बालों के इम्प्रूवमेंट के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको काला चना खाना चाहिए। महिलाएं पुरुष दोनों को खाना चाहिए। जिन व्यक्तियों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं, जिनकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं, तो बालों को मजबूत करने के लिए काला चना जरूर खाना चाहिए। तो बालों के लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद होगा। बालों की जड़ें जब मजबूत होंगी, बालों को पूरा पोषण मिलेगा, तो इससे बाल आपके काले भी होंगे। ध्यान रखिए जो व्यक्ति सफ़ेद बालों से ग्रस्त हैं, सफ़ेद बाल जिनके धीरे धीरे हो रहे हैं, तो उनको काला चना जरूर खाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ फ़ायदे होते हैं जो आपको काले चने खाने से मिलते हैं। रात को एक मुट्ठी भिगो कर रख दीजिएगा और सुबह उसको जरूर खाइएगा खाली पेट, और उसके बाद अपना नाश्ता कर सकते हैं आधा घंटा गैप देकर, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो शायद आपको अच्छी लगे और आप मुझे स्टार देकर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं ऐसे यूजफुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।